हम्द है खुदा की जिसने कायनात को बनाया, तारीफ़ है मुस्तफ़ा की जिसने सब कुछ पहुँचाया, और एहसान है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का और औलाद अबू तालिब का जिन्होंने सब कुछ बचाया। माह रबीउल अव्वल है, यकीनन सारे मुसलमान इस महीने को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि सारे मुसलमानों का रसूल एक है, तो जो है हम सारे मुसलमानों का रसूल एक है। और मैं अक्सर इन दिनों में जहां भी गया हूं, मैंने यही जुमला कहा है कि मुझे इस बात पर नाज नहीं, मैं शिया हूं या मैं सुन्नी हूं, मुझे इस बात पर नाज नहीं कि मैं शिया हूं या मैं सुन्नी हूं, मुझे तो फख्र इस बात पर है कि मैं मुस्तफ़ा का उम्मती हूं। मेहरबानी जी नहीं हैदरी यार, मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। हमें अल्लाह ने वो हस्ती अता फरमाई जिसके लिए पूरी कायनात को खलक फरमाया है। आका की आमद है, यकीनी बात है कि सारे मुसलमान हम लोग सैयदुल अंबिया का मिलाद मनाते हैं, और आप हर गली से जहां से गुजरते हैं तो एक जुमला रबीउल अव्वल के शुरू में ही ये लिखा जाता है, मिलादुन नबी। ऐसे ही है जी, मिलादुन नबी, किसी दीवार पर मिलाद मोहम्मद नहीं लिखा, तवज्जो चाहूंगा, मिलाद मोहम्मद नहीं लिखा, मिलादुन नबी, मिलादुन नबी लिखकर कम अज कम तस्लीम कर लिया है। आने वाला आकर नबी नहीं बना, बल्कि अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। जो आया है वो आकर नबी नहीं बना, हमारे अकीदे को तस्लीम कर लिया है कि आने वाला आकर नबी नहीं बना। फिर हम ये नात लगाते हैं, सज गए गलियां बाजार, सोना आया, सारे जरा बोलो जी, सोना आया ते सज गए गलियां बाजार। मैं सलाम करता हूं, आपने तो बड़ा प्यारा जुमला कहा है कि सोना आया ते सज गए गलियां बाजार। भाई ऐसा ही है, सोना आया ते सज गए गलियां बाजार। ए मुसलमानों, कभी गौर किया करो कि सोना आया सज गए गलियां बाजार, ये सोना आया किसकी गोद में था? आखिर होता है ना, जिसके घर में आया है, वालिद तो इंतकाल कर चुके थे, ये सोना आया किसकी गोद में? जिसकी गोद में आया है उसे अबू तालिब कहते हैं। उस हस्ती का नाम है अबू तालिब, हजरत अबू तालिब। फिर वे कहते हैं जी, नाते पढ़ते हैं हम लोग तो कहते हैं, तेरा खावा ते तेरे गीत गावा। ये तो बड़ा अच्छा जुमला है, मेरी मैं इतराज नहीं कर रहा, सोना आया तो सज के गलियां बाजार, सोना आया किसकी गोद में था उसे अबू तालिब कहते हैं, तेरा खावा ते तेरे गीत गावा। मैं कहता हूं अच्छी बात है, तू मुस्तफा का खाता है, मुस्तफा का गाता है, मुझे इतना तो बता, मुस्तफा किसके घर से खाता रहा? नबी भी तो खाता था ना। मेहरबानी जी, मेहरबानी जनाब, हैदरी। वासे बुलंद अली का नारा लगाते ना आप लोग, झिझक के मत लगाया करो। मेहरबानी, अल्लाहु अकबर, मेहरबानी जी, या रसूल, सारे मिलकर बोले जी, हैदरी। तो मेरी बात समझ आ रही है जनाब, तो जो है आपकी जनाब के ये नारा झिझक के मत लगाया करो। एक मलंग नारा, पीराबल शाह जी एक मलंग नारा लगा रहा था, उसने नारा लगाया, एक मौलवी गुजरा, उसने कहा तू अली अली करता है, गली गली में अली अली करता है, तो अली का नारा लगाता है, तुझे यकीन है कि अली तुझे जन्नत में लेके जाएगा? तो जो चाहूंगा, तुम्हें अली जन्नत में लेकर जाएगा, तुझे यकीन है? तू जो गली गली में अली अली करता है, तुझे यकीन है अली तुझे जन्नत में लेके जाएगा? उसने कहा यकीन नहीं, 100% यकीन है।
मुझे 100% यकीन है मुझे अली जन्नत में लेकर जाएंगे। उसने कहा फिर मैंने नबी की हदीस सुनाता हूं, मेरे नबी ने फरमाया है कि जो जन्नती होगा उससे खुशबू आती है। नहीं गौर किया आपने जी, भाई जो जन्नती है उससे खुशबू आती है जन्नत की, ये मेरे नबी का फरमान है, सच्चे नबी का फरमान है, जो जन्नती होगा उससे जन्नत की खुशबू आएगी। और तू कहता है मैं जन्नती हूं, मुझे तुझसे खुशबू नहीं आ रही, तू कैसा जन्नती है? उसने कहा पागल न बन, मैं जन्नती हूं। तूने नबी की दूसरी हदीस नहीं पढ़ी, नबी ने फरमाया जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं होगी उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। तो जन्नत की खुशबू भी हराम है। मेहरबानी जिसके दिल में अली, वो तू जन्नती है ही नहीं, तेरे दिल में अली नहीं है, इसलिए तुझे जन्नत की खुशबू कैसे आ सकती है? तो जो है आपकी